हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे एक हेल्दी रेसिपी, मूंग दाल टोस्ट। इसे आप ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं और स्नैक्स में भी। इसके लिए हम लेंगे एक कप मूंग दाल, जिसे कि मैंने 2 घंटे भिगोकर पीस लिया है। ब्रेड आप यहाँ पे वाइट या ब्राउन कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। प्याज 1 मीडियम स्लाइस किया हुआ, धनिया बारीक कटा हुआ, नींबू का रस 1 बड़ा चम्मच। इसके साथ साथ अजवाइन 1/2 चम्मच, बेसन 1 चम्मच, हरी मिर्च 2 कटी हुई, अमचूर पाउडर 1/4 चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, बेकिंग पाउडर 1/2 चम्मच। अब पीसी हुई मूंग दाल में आप एक एक करके सारी चीजें मिला लें। थोड़े से पानी में बेकिंग पाउडर डालकर इसे भी मिला लें। अब एक पैन में हम थोड़ा सा तेल, 2 चम्मच तेल गरम करेंगे। ब्रेड स्लाइस पे आप इस पेस्ट को अच्छी तरह से फैलाकर सेक लें। इसे ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। अगर आप इस मिक्सचर को एक साइड लगा रहे हैं तो 8 टोस्ट तैयार होंगे, और दोनों साइड लगाना हो तो 4 टोस्ट तैयार होंगे। दूसरी साइड लगाते वक्त थोड़ा तेल पैन में और डालें और क्रिस्प होने तक सेक लें। अब इसके साथ हम एक चटपटी सी चटनी तैयार करेंगे। इसके लिए आप धनिया, पुदीना, थोड़ा सा प्याज, हरी मिर्च और 1 टमाटर डालकर पीस लें। अब हमारे मूंग दाल टोस्ट विद ग्रीन चटनी तैयार है। इसे आप मनचाहे आकार में काट कर सर्व करें। इस रेसिपी को लाइक और शेयर करें। कमेंट करके बताएं ये कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।